वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। गुवाहाटी से आएंगी 40 लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। संजय राउत के इस बयान से बवाल मच गया। एक तरफ बारास में सियासी घमासान मचा हुआ है और दूसरी तरफ संजय राउत के ऐसे बयान ने और भूचाल ला दिया। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी के बाकी विधायकों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुवाहाटी से 40 लाशें आएंगी और महाराष्ट्र विधानसभा में उनका पोस्टमार्टम होगा। उन्होंने कहा है कि ये जो 40 लोग हैं, ये जिंदा लाश है, मुर्दा है, उनके शव यहाँ आएंगे, उनकी आत्मा मरी हुई है। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से ये जिंदा नहीं रहेंगे, उन्हें पता है कि ये तो आग लगी है, इससे क्या हो सकता है। संजय राउत ने साथ ही उन विधायकों को चेतावनी दी है कि वो महाराष्ट्र आकर दिखाएं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने असम के गुवाहाटी में डेरा डाला हुआ है। शिवसेना मुखपत्र सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत ने कहा है कि कामाख्या मंदिर में पशु बलि दी जाती है, हमने 40 लोगों का बलि दिए जाने के लिए वहां भेजा है। साथ ही उन्होंने धमकाया है कि शिवसेना का हजारों समर्थक शांत है, वरना सबको पता है एक इशारे पर वो क्या कर सकते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब संजय राउत कहते हैं कि वो 40 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे, तब सभा में एक शिवसेना कार्यकर्ता चिल्ला कर कहता है कि हम सीधे उनकी अस्थि विसर्जन कर देंगे। इस पर संजय राउत कहते हैं हम इन्हें छठ पूजा में भेज देंगे। उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर को जादू टोना मंदिर कहकर अपमानित किया है। शिवसेना कार्यकर्ता ने बॉडी शेमिंग की हदें भी पार कर दी और कहा कि सिर्फ 40 सांड की ही बलि नहीं देनी है, उनमें 3 भैंसे भी हैं। आपको बता दें उधर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी मुंबई के अस्पताल ने कोरोना के इलाज के बाद छुट्टी दी है। उन्होंने राज्य के पुलिस अधिकारी से शिवसेना के बाकी विधायकों के परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश दिया है। कई विधायक के घर और दफ्तरों पर शिव सैनिकों ने हमले देखने को मिले हैं। 15 विधायक को केंद्र सरकार ने CRPF की वाई सिक्योरिटी दी है। उधर भंडारा को बागी शिवसेना विधायक नरेंद्र भांडेकर का जन्मदिन भी एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन, वीके न्यूज़।